हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इजी वे में घर पे आप कोल्ड प्रोसेस सोप बना सकते हैं। जी हाँ, ये कैस्टाइल सोप के नाम से भी जाना जाता है और इसको बनाने में आपको सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगेगा, बट ये वीडियो सिर्फ 8 मिनट का है। 8 मिनट में आप सीख जाओगे कि कैसे आप अपने घर पर कोल्ड प्रोसेस सोप बना सकते हो आसान तरीके से। और इसमें यूज होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको एक पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप सारे मटेरियल्स के इंग्रेडिएंट की लिस्ट और रेसिपी आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को बिना स्किप किए हुए सीखें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप मिस कर जाओगे तो आपका साबुन ठीक नहीं बनेगा। दूसरा मैंने जो इंग्रेडिएंट डाला है वो है सेसमे ऑयल, तिल का तेल जिसे हम बोलते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है डालडा वनस्पति घी, जो कि हार्डनर का काम करता है, हमारे सोप को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। एंड कोकोनट ऑयल भी हमारा हार्डनर ही है एक तरीके से। और ये सारे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे फाइनली। इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने सिया बटर डाला है अपने सोप में, और सिया बटर आपके एंटी एजिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है और आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने 20 ग्राम सिया बटर इसमें ऐड किया है। तो उसके बाद मैं रोज हिप ऑयल ले रहा हूँ। रोज हिप ऑयल की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए छोटा सा बीकर आता है, आप स्मॉल बीकर यूज कर सकते हो। ये बीकर 12 ml का होता है, 12 ml का बीकर को आप यूज करें और इसमें लगभग 5 से 6 ml आप इसको रोज ही ऑयल लें अपने सोप में, आपके सोप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आप ये सारे इंग्रेडिएंट को मेल्ट करें और इसको मेल्ट करने के लिए आप गैस ओवन या इंडक्शन या फिर माइक्रोवेवन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो फ्लेम में सबसे कम टेम्परेचर पे इसको मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट इसे नहीं करना है। सेफ्टी गाइडलाइन के लिए आप लेबोरेटरी में यूज होने वाला गॉगल्स भी यूज करेंगे, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि कहाँ पे आपको मिलेगा। एंड मास्क आपको ज़रूर यूज करना है क्योंकि अभी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करने वाले हैं, और ग्लव्स तो आपको बिल्कुल नहीं अवॉइड करना है। ग्लव्स के बिना आप सोडियम हाइड्रोक्साइड टच भी नहीं करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिक्स करना है, वाटर को कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स नहीं करना है। इसका मेजरमेंट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और पीडीएफ में दिया हुआ है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन से। यहाँ पे मैंने कलरिंग एजेंट के लिए क्ले यूज किया है, फ्रेंच पिंक क्ले। फ्रेंच पिंक क्ले में मैंने सेसमे ऑयल मिला के इसको मिक्स किया है और जिससे ये गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाए, और उसके बाद हम इसे अपने ऑयल में मिक्स कर सकते हैं, राइट। तो पहले आपको पूरे ऑयल में क्ले नहीं डालना है जिससे अच्छे से मिक्स नहीं होता है। मैंने बहुत बार ये चीज़ें देखी है क्योंकि क्ले, फ्रेंच पिंक क्ले काफ़ी हल्की होती है, तो इसको इसी तरीके से करेंगे जैसा मैं आपको वीडियोस में दिखा रहा हूँ। तो इसको ऑयल के साथ पूरा मिक्स कर देंगे। ऑयल हमारा मेल्ट हो चुका है, उसको हम पूरा क्ले के साथ मिक्स करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड लाई वाटर भी तैयार है, तो इसको भी हम एक दूसरे में मिक्स करेंगे। बट उससे पहले फ्रेग्रेंस ऑयल और एसेंशियल ऑयल अगर आपको डालना है, एसेंशियल ऑयल इज ऑप्शनल बट फ्रेग्रेंस ऑयल ज़रूर डाल लें आप, और ये भी आप छोटे से बीकर से मेजर करना है और आपको उसमें यूज करना है। सारी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर उसको चेक करें एक बार, ठीक है। सोप बनाने के लिए परफेक्ट रेसिपी का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका सोप सही नहीं बनेगा। वैसे हमारा कोल्ड प्रोसेस का क्लास भी होता है, अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहें तो जूम मीटिंग पे हमारा ऑनलाइन क्लास ट्रेनिंग चलता है, लाइव वर्कशॉप होता है। उसमें मैं आपको रेसिपी भी डिराइव करना बताता हूँ कि कैसे आप डिफरेंट रेसिपी डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस लाई को ऑयल में मिक्स कर लिया और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है।
आपको एटलीस्ट 2 मिनट तक इसको मिक्स करना है, जिससे ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो जाए और इसका जो थिकनर है, थिकनेस है, वो कम से कम टोमेटो केचप की तरह आनी चाहिए, अदरवाइज आपका वो जो सॉल्यूशन है, जो बैटर है, वो तैयार नहीं है। ओके, सो 2 मिनट आप मिक्स करें, मैं वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जिससे आपका टाइम बचे और वीडियोस बोरिंग ना हो, राइट। एंड अगर आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे डिटेल हैं, रेसिपी के डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, तो आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें, रेसिपी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, सो इसको इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे और स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हमसे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। हमारा ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग भी होता है और रिकॉर्डेड कोर्स भी है हमारे पास, जो एडवांस लेवल पे है, तो आप उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको आप बहुत सीरियस हो सोप मेकिंग बिजनेस को लेके, तो आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन ज़रूर करें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, जिससे आप पूरी जानकारी ले पाएँ और अच्छे से सोप बनाएं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। तो इस तरीके से मैंने मोल्ड में अपने सारे बैटर को डाल दिया, आप देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना अच्छा आ रहा है, और इसी तरीके से आपको इसको मोल्ड में डाल के सिर्फ 1 दिन के लिए छोड़ना है। 1 दिन आपको लगेगा इसके हार्डनेस को आने में, तो 1 दिन के बाद मैं आपको वीडियोस ज़रूर इसी में दिखाऊंगा कि कैसा आया है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। 1 दिन के बाद मैं इसको 24 आवर्स के बाद मैं इसको ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये 24 आवर के बाद प्योर सोप की तरह दिख रहा है, और ये सोप बन चुका है आपका, और ये बहुत ही अच्छा सोप है, और इसकी क्वालिटी क्या होगी, क्या कंडीशनिंग होगी, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ चेक करें, फर्स्ट कमेंट में भी आप चेक करें। ये पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। आप अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज हमारे फर्स्ट रेसिपी को आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, और इसको ट्राई करने के लिए जो भी आपको इंग्रेडिएंट चाहिए, जो भी आपको टूल्स चाहिए, उसके भी एक मैंने किट बना दिया है, वो किट भी आप परचेज कर सकते हो अगर चाहो तो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, और क्लिक करें बेल आइकन पे, जिससे आपको हमारे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं।